एक्शन की अगर बात की जाए तो हॉलीवुड के बाद अगर एक्शन मूवीज का नाम आता है तो वो बॉलीवुड की मूवीज हैं। जी हाँ, आजकल बॉलीवुड में भी ऐसी ब्रूटल एक्शन मूवीज आ रही हैं कि जिनको देख के भाई साहब मजा आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बॉलीवुड की एक्शन मूवीज के बारे में बताऊंगा जिनको आप इजीली यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो किसी भी आपको मूवी का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 5 पर जो मूवी है उस मूवी का नाम है किल। ये मूवी एक एक्शन और ब्रूटल टाइप की फिल्म है। स्टोरी कुछ इस तरह की, ट्रेन में दो सोल्जर सफर कर रहे होते हैं और अचानक उसमें कुछ गुंडे घुस आते हैं जो कि पूरी ट्रेन को लूटने के साथ साथ सबको मारना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसे फिर ये दो सोल्जर उन सब से लड़ते हैं और कैसे फिर इन सब की जान बचाते हैं और क्या स्टोरी में होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसकी 90% स्टोरी ट्रेन में ही है और एक्शन तो भाई साहब इतना है कि पूछिए मत। बहुत ही ज़्यादा एक्शन इस मूवी में है और ये मूवी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नेम है द बीस्ट। ये विजय सर की मूवी है और बात की जाए इसकी स्टोरी की तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि विजय सर जो कि एक रॉ एजेंट होते हैं लेकिन रॉ को छोड़ चुके होते हैं, तो अचानक वो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं एक मॉल में शॉपिंग के लिए और वहाँ पर कुछ टेररिस्ट अटैक कर देते हैं। तो फिर कैसे विजय सर उन सब होस्टेजेस को बचाते हैं और इस मूवी में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है और ये मूवी आपको हिंदी में यूट्यूब पर मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3 पर जो मूवी है उसका नेम है रक्षा कवच ओम। ये आदित्य रॉय कपूर की मूवी है जिसमें जैकी श्रॉफ भी दिखाए गए हैं। तो मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक आर्मी में एक ऑफिसर है जो कि जिसको एक मिशन मिलता है एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट को पकड़ना, और इस मूवी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल जाएगा और ये मेरे ख्याल से आदित्य की सबसे एक्शन मूवी है क्योंकि ज़्यादातर तो वो आज की जैसी मूवीज़ में ही नज़र आते हैं। तो ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 2 पर जो मूवी है उसका नेम है RRR। वैसे तो ये साउथ इंडिया की नंबर 1 मूवी है लेकिन ये बॉलीवुड मूवी की लिस्ट है तो इसलिए इसको नंबर 2 पर मैंने रखा है। बात की जाए इसकी स्टोरी की तो इसकी स्टोरी में हमें 2 मेन कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, रामचरण सर और NTR सर। इन दोनों के ऊपर ये स्टोरी घूमती है, अंग्रेजों के दौर की स्टोरी। इसमें अजय देवगन सर भी हैं और आलिया भट्ट भी है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाया गया, अब इतने बड़े साउथ के स्टार हैं तो एक्शन की तो कोई कमी नहीं, और इसको उसी ने बनाया है जिसने बाहुबली जैसी मूवीज बनाई हैं। तो ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 1 पर जो मूवी है उस मूवी का नेम है युद्रा मूवी। ये न्यू रिलीज हिंदी एक्शन मूवी है। बात की जाए इसकी स्टोरी की तो ये एक लड़के की स्टोरी दिखाई गई है जिसको बचपन से ही एंगर इशू है, यानी कि गुस्सा आने पर वो इतनी ब्रूटैलिटी से लोगों को मारता है कि मानो देखने वाले को अपनी आंखें बंद करनी पड़ जाए। तो इस मूवी में आपको ढेर सारा एक्शन और एडवेंचर देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी। तो ये वन टाइम वॉच तो ज़रूर है और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हिंदी में अवेलेबल है,